हर टाइप की फोटो एडिटिंग सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर ले। काफ़ी सारे सब्सक्राइबर की कई दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि फेस लोगो बनाया जाए, तो मैंने नेट पे देखा काफ़ी लोगों ने अलग अलग टाइप का बनाया, इसलिए मैंने सबसे अलग यहाँ पे फेस लोगो बनाया। आप ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एनीथिंग, कोई भी सोशल साइट का अपने फ़ोटो जैसा लोगो बना सकते हैं। सिर्फ एक ही स्टेप की वीडियो है, तो आप वीडियो को जो है शुरू से आखिर तक प्ले कर लें। तो आज की वीडियो में देखिए, हमें यहाँ पर बैकग्राउंड चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है, PNG बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो हम डायरेक्टली मैं आपको बताता हूँ, एक ही स्टेप की वीडियो है। सबसे पहले आप यहाँ से एक रेवोल्यूशन सेट कर लीजिए, यानी कि पेज का साइज़ जो है फिक्स कर लीजिए, ताकि हमारा फ़ोटो HD में हमें मिले। इसके बाद एक जो भी आप ट्विटर, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम जिसमें बनाना चाहते हैं जो लोगो में, उसका ब्लैक कलर का होना चाहिए लोगो, ठीक है। जो आइकन होता है वो ब्लैक होना चाहिए। इस तरीके से मैं फेसबुक का बता देता हूँ आपको एग्जांपल तरीके, यहाँ पर रख दीजिए। रखने के बाद जो है यहाँ पर जो है एम्प्टी लेयर्स लेने के बाद अपना फ़ोटो इसमें ऐड करें। आपका फ़ोटो जो भी हो, किसी भी टाइप का हो, एडिट किया हुआ हो, एडिट नहीं किया हुआ हो, बैकग्राउंड कैसा भी हो, आप इसमें बना सकते हैं। सिर्फ एक ही स्टेप है, मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर लोगों के बराबर अपना फ़ोटो आप रख दीजिए। रखने के बाद ये जो सिंपल स्टेप है वो ध्यान रखें। यहाँ पर आपको देखना है तो यहाँ इफेक्ट में आपको जो इसका ऑप्शन, इसमें जाके स्क्रीन इफेक्ट सिलेक्ट कर लेना है। स्क्रीन इफेक्ट जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे, देखेंगे आप इस तरीका का हो गया है। एडजस्ट करने के लिए ऊपर से फर्स्ट ऑप्शन ले लीजिए और आप फोटो को जहाँ भी एडजस्ट करना चाहते हैं, जिस टाइप का एडजस्ट करना चाहते हैं, उस टाइप से आप इसे एडजस्ट ईजिली कर सकते हैं। तो देखेंगे तो ये एक ही स्टेप में हमारा लोगो बन गया है, एकदम ही सिंपल। एक ही स्टेप में हमने ये लोगो बनाया है। इसके ऊपर थोड़ा सा क्लियर करने के लिए हम इफेक्ट लगा देंगे, तो इसमें HDR1 ले लीजिए। HDR1 इफेक्ट लेने के बाद थोड़ा सा क्लियर करके इसे थोड़ा सा लाइट कर देंगे हम। तो यहाँ पर देखेंगे आप HDR हो गया है, तो जहाँ से ज़्यादा डार्क हो गया वहाँ से इरेज कर ले। इरेज करने के बाद यहाँ से इस इफेक्ट को सिलेक्ट कर ले और इसे थोड़ा सा लाइट कर ले। ये हो गया आपका फेस लोगो तैयार। देखिए आज की वीडियो में मैंने कुछ नया ट्राई किया था और सबसे हटके, मैंने हर चैनल वालों से हटके फेस लोगो बनाया। तो पसंद आया तो मुझे सपोर्ट ज़रूर करना।